अपने पति बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी दिन गुजार रही थी। टुनटुनी और बंटी कबूतर ने प्रेम विवाह किया था। टुनटुनी के साथ टूनी चुड़िया अपने गांव में रहती थी। एक दिन वो बिना खबर किए टुनटुनी के घर आ जाती है। अपनी सास को देखकर टुनटुनी कहती है, अरे माँ जी आप कौन है? बहू तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरी सास हूँ। आप तो बिना खबर के यहाँ आ गई। बहू ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अपने बेटे के घर आने के लिए मुझे खबर देनी होगी? लगता है मेरे आने से तो खुश नहीं है। अरे नहीं माँ जी, आपके आने से तो मैं बहुत खुश हूँ। बहू अब तू खुश रहे या नाराज, मैं तो कुछ दिन तक यहीं रहूँगी और मैं गांव तभी वापस जाऊँगी जब तू माँ बन जाएगी। अब जल्दी से तू मुझे पोते का सुख दे दे। अरे माँ जी आप तो अभी आई है और अभी से पोते की रट लगाने लगी। अभी आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चुड़िया चाय बनाने के लिए चली जाती है। चाय बनाते समय टुनटुनी चुड़िया सोच रही थी कि कैसे उस मुसीबत से छुटकारा पाएगी। तभी उसका पति बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है। सुनो जी, अपनी माँ को गाँव वापस भेज दो। अगर माँ जी कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक गयी तो मेरा जीना हराम कर देंगी। तुम्हें पता है जब से आई है तब से पोते की रट लगा रही है। तो इसमें बुराई क्या है? अपनी शादी को हुए कई महीने गुजर गए हैं, आखिर तुम्हें माँ बनने में क्या हर्ज है? तुम कान खोलकर सुन लो जी, मैं अभी माँ बनकर अपना फिगर खराब करना नहीं चाहती। तो तुम भी कान खोलकर सुन लो, अगर तुम माँ नहीं बनोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर लूँगा। मेरी माँ ही नहीं, अब मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हो। अपने पति का गुस्सा देखकर टुनटुनी उससे कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चुपचाप चली जाती है। तभी टुनटुनी की सहेली मीठी तोती का फोन आता है। टुनटुनी उदास मन से उससे बातें करने लगती है। अरे टुनटुनी आज तेरी आवाज को क्या हुआ? लग रहा है तू रो रही है, क्या बात है? तू मुझे बता, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। क्या बताऊं मीठी, मेरी सास आई है, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। उन्हें पोता चाहिए और मैं अभी माँ बनना नहीं चाहती। मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इतनी सी बात, तू झूठ मूठ की प्रेग्नेंट हो जा। कुछ दिनों बाद मैं तुझे एक अंडा ला कर दूंगी और तू अपनी सास को बता देना कि ये अंडा तूने दिया है। कुछ दिनों में उस अंडे से बच्चा बाहर आ जाएगा, इस तरह तू माँ भी बन जाएगी और तेरा फिगर भी खराब नहीं होगा। चला फोन रख। टुनटुनी फोन रख देती है और खुशी खुशी अपने कामों में जुट जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, लगता है भगवान ने आपकी सुन ली, मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये सुनकर बंटी कबूतर और उसकी सास दोनों खुश हो जाते हैं। एक सप्ताह बाद मीठी तोती टुनटुनी को एक अंडा ला कर देती है। टुनटुनी झट से उस अंडे को छुपा लेती है। फिर मीठी तोती वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद टुनटुनी चिल्ला कर कहती है, माँ जी ये देखिए मैंने कितना सुंदर अंडा दिया है, बस अब कुछ ही दिनों में इससे बच्चा बाहर आ जाएगा और आपको दादी कहकर पुकारेगा। टुनी चुड़िया उस अंडे को देखकर खुश हो जाती है। उसे क्या पता था कि टुनटुनी चुड़िया ने झूठ बोला है। कुछ दिनों बाद उस अंडे से कौवे का बच्चा बाहर आता है और टुनटुनी की पोल खुल जाती है। ये देखकर टुनी चुड़िया कहती है, अरे देख तो बंटी तेरी पत्नी ने क्या कारनामा किया है, ये तो अपना फिगर बचाने के लिए एक कौवे का अंडा ले आई। राम 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 राम, इसे भगवान का जरा भी डर नहीं है। फिर टुनटुनी अपनी सास और अपने पति से माफी मांगती है और उन्हें बताती है कि उसने झूठा प्रेग्नेंट होने का नाटक किया था। लेकिन बंटी कबूतर उसे माफ नहीं करता और उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देता है। टुनटुनी अपनी गलती पर पछता रही थी। वो कौवे के बच्चे को उसकी माँ के पास पहुँचा देती है। फिर अपना एक अलग घोंसला बनाकर उसमें रहने लगती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चुड़िया बंटी कबूतर को फोन करती है और रोते हुए उससे कहती है, बंटी जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं वादा करती हूँ आपसे अब मैं कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। ये सब सुनकर बंटी कबूतर टुनटुनी चुड़िया को माफ कर देता है। फिर टुनटुनी चुड़िया खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने